हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो कि यूपी टेट, सी टेट या अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादातर यूपी टेट और सी टेट या सुपर टेट के लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव के पेट में अमावस्य रस की प्रकृति डैश होती है वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। इसका आंसर है क्षारीय। प्रश्न नंबर 2, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। प्रश्न नंबर 3, प्लेग है जीवाणु जनित बीमारी। इसका आंसर है जीवाणु जनित बीमारी। प्रश्न नंबर 4, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? पैरासीटामोल। प्रश्न नंबर 5, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है, यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? एनीमिया। प्रश्न नंबर 6, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के। प्रश्न नंबर 7, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी। प्रश्न नंबर 8, क्वासियोरकोर नामक रोग की कमी से होता है? इसका आंसर है प्रोटीन। क्वासियोरकोर नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 9, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है जुखाम। प्रश्न नंबर 10, किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? CO। चूहे के द्वारा फैलने वाला रोग है प्लेग। प्रश्न नंबर 12, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत, यकृत। प्रश्न नंबर 13, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। प्रश्न नंबर 14, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है कैंसर फेफड़ों का। प्रश्न नंबर 15, पक्षमाभ ऊतक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? श्वसन नलिका। प्रश्न नंबर 16, मलेरिया रोग होता है किसके कारण से? प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम। प्रश्न नंबर 17, डेंगू रोग का वाहक है एंडीज मच्छर। प्रश्न नंबर 18, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। प्रश्न नंबर 19, पोलियो का कारण है विषाणु। प्रश्न नंबर 20, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? अमाशय, अमाशय। प्रश्न नंबर 21, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? खनिज। प्रश्न नंबर 22, एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे और रोटी दिया जाता है वह सामान्यतः रोगी होता है होगा स्कर्वी रोग का। प्रश्न नंबर 23, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सी इकाइयों से मिलकर बना होता है, ये इकाइयाँ कहलाती हैं अमीनो अम्ल। प्रश्न नंबर 24, अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होती होगी तो उसको हो सकता है मोटापा, यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है, इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है, यह बीमारी है पेचिस। प्रश्न नंबर 26, सूखा रोग किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से। प्रश्न नंबर 27, अस्थमा बीमारी है सांस की। प्रश्न नंबर 28, किन बीमारियों के लिए DPT का टीका लगाया जाता है? काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस। प्रश्न नंबर 29, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबा लामीन है? विटामिन B12 का। प्रश्न नंबर 30, पोलियो होता है दूषित जल और भोजन से। प्रश्न नंबर 31, शुष्क बर्फ किसका रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रश्न नंबर 32, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं? सरला बहन। प्रश्न नंबर 33, कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बाइड। प्रश्न नंबर 34, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 35, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। प्रश्न नंबर 36, सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? गुरु नानक देव।
प्रश्न नंबर 37 भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। प्रश्न नंबर 38 भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई, मिथाइल आइसोसाइनेट। प्रश्न नंबर 39 रिएक्टर पैमाने से की तीव्रता नापी जाती है, भूकंप की। प्रश्न नंबर 40 भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमाने में। तो दोस्तों ये थे हमारे 40 क्वेश्चन जो कि पर्यावरण अध्ययन के हैं, जो कि यूपी टेट्स, सी टेट और अन्य सुपर टेट में बहुत ही उपयोगी हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।